वे चैनल वेलकम बैक टू माय गाइस। वे चैनल वेलकम बैक टू माय गाइस। आज हम जा रहे हैं हाजी अली, तो आओ चले हाजी अली। तो हमने टैक्सी का किया सफ़र ख़त्म और ये धूप से बचते हुए हम जा रहे हैं सबवे में। सबवे से हम रोड क्रॉस करके हाजी अली की तरफ जाएंगे। और गाइस सबवे के अंदर मार्केट है, इस मार्केट से आप सामान ले सकते हैं, चप्पल जूते और बहुत कुछ। दिखा दूँ आपको आगे, नेकलेस वॉचेस हिजाब माशाल्लाह, क्या टोपी है। समोसे समोसे मुंबई नगरी। और हाजी अली की दरगाह यहाँ टर्मिनल से पार करके है और अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल पार करके। अच्छी जितनी दरगाह है ना। हाजी अली दरगाह गाइस, हाजी अली इज अंडर रेनोवेशन, लेट मी शो यू। बहुत पत्थर चुभ रहे हैं गाइस, बहुत पत्थर चुभ रहे हैं। और ये टॉप के अंदर जाते हुए, तो गाइस हम हाजी अली के दर्शन कर चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं। नहीं, घर नहीं जा रहे, हम कहीं और जा रहे हैं, आगे पता लगेगा आपको कहाँ जा रहे हैं। हम भी डिसाइड करेंगे फिलहाल कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज हमें लोअर परेल में, और यहाँ पे जब भी इधर कहीं हम आसपास कहीं भी जाते हैं ना, तो हमें अंबानी घर जरूर दिख जाता है। ये देखो अब यहाँ से भी दिख रहा है साफ जिंदा। तो गाइज हाजी अली के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं गेट वे ऑफ इंडिया, वहाँ से हम जाएंगे एलिफेंट केज। धीरे बोला करो यार, तुम बीच में खराब कर देते हो। रोजाना चांदनी पिक्चर लगती है यहाँ। वो कितनी पुरानी पिक्चर लगी हुई है यहाँ। तो गाइस अब हम चला रहे हैं मुंबई में काली पीली टैक्सी। काली पीली टैक्सी, मैंने टैक्सी लगा दी है साइड में और आपको दिखा दूँ जो आलिया भट्ट की कौन सी मूवी थी, कमाठीपुरा जो भी मूवी थी, कमाठीपुरा। हम जिस रोड पे, इसके बैक साइड पे कमाठीपुरा, ये इस रोड के राइट में यानी कि, और यहीं से लेफ्ट में कमाठीपुरा। तो भाई इन बच्चियों ने मुझे बताया उसका नाम था गंगूबाई, गंगूबाई था। हम बच्चे नहीं है, हम बच्चे नहीं है, मतलब इन बड़ी बड़ी लड़कियों ने मुझे बताया उसका मूवी का नाम गंगूबाई था। हम बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी नहीं है, इन आंटियों ने मुझे बताया। तो कमाठीपुरा की रोडे और लोकेशन सेम वैसी जैसी कि हमने मूवी में देखी थी गाइस, सेम वैसी, एग्जैक्टली वैसी, डिट्टो, मतलब यही तो बनी है यार। मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू।
ये नहीं देखे अभी तक, लेकिन भिंडी में जा रहा है। और ये है मुंबई का हाई कोर्ट, सारे कोर्ट बहुत आता है। मैं अभी भी झगड़े का बहुत आता है। ये सारा यहाँ सारा कोर्ट है, पूरी लाइन में आपको कोर्ट ही कोर्ट दिखेंगे, हाई कोर्ट भी यहीं पे है। तो गाइज हमने टैक्सी छोड़ दिया, मतलब टैक्सी से उतर चुके हैं, और जो हमारे साथ दो फंटर लोग थे उन्होंने कुछ सामान लेना था तो वहाँ उतर चुके हैं। अभी हम आए हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और फिर हम वहाँ से जाएंगे एलिफेंटा केज, जो कि हमें बोट शिप जो भी होती है उससे जाना पड़ेगा। राइट में हमारे ताज है, लेफ्ट में हमारे गेटवे ऑफ इंडिया है। दिखाता हूँ आपको कैमरा फ्लिप करके, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम लास्ट व्लॉग में रात को आए थे, अभी सुबह का है। और ये है ताज, 26/11 हमला हुआ था, रिमेम्बर। अभी जब लास्ट आए थे तब अंदर एंट्री बंद थी क्योंकि वो भाई रात हो गई थी, और अभी अंदर जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम अंदर जाएंगे नहीं, बाद में देखेंगे। नहीं यहीं से तो अंदर जाके मिलेगी, अंदर जाते हैं ना फिर अंदर से बोट लेंगे। ये रहा ताज, एंट्रेंस ऑफ ताज। एंट्री है ये गेटवे ऑफ इंडिया की। तो गाइस अभी हमारा पोपट हो चुका है, हमें पता लगा एलिफेंटा केज सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खुला होता है। अभी अब कुछ नहीं हो सकता, हम देखते हैं कल आएंगे या फिर कभी। अभी फ़िलहाल हम बोट राइडिंग कर सकते हैं, और अभी हम वहीं जा रहे हैं बोट से, और गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया अंदर से, और यहाँ से ताज बहुत अच्छा दिख रहा है, ताज गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से अंकल बोट की टिकट दे रहे हैं, कैश नो पेटीएम नो फोन पे ओनली कैश, उसके बाद हम जाएंगे अंदर बोट में। अभी गिरता बोतल को, ये हमने ले लिया टिकट्स, और ये रही बोट। अब जा रहे हैं हम बोट में, मोटर बोट है ये। हालांकि मेरी 6 फीट हाइट है फिर भी मैं प्रॉपर आ रहा हूँ, मतलब 6 फीट का है ये। और हम आगे आगे बैठ गए जहाँ शायद बैक साइड आगे नहीं है, गलती कर दी हमने आगे पीछे आगे, कोई नहीं पीछे से नज़ारे दिखाएंगे आपको। गाइज हम गेटवे ऑफ इंडिया से निकल चुके हैं, और हम जा रहे हैं मार्केट। कौन सी मार्केट? मोहम्मद अली रोड, यहाँ से हम लेंगे माइक, क्योंकि लास्ट रिसेंटली वीडियो में मेरा माइक का बहुत इशू आ रहा है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा, मेरे को खुद सुन के अच्छा नहीं लग रहा, तो ऑडियंस को और मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या ही अच्छा लगेगा, इसलिए माइक परचेज करने जा रहे हैं। चलते हैं, तो पटाखे ऐसे बिक रहे हैं धना धन, इधर पटाखे बैन नहीं है मे भी।
ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है जो आपको टैक्सी से दिखाई थी, और अब इसके पास से पैदल गुजरना पड़ रहा है क्योंकि हमें शॉप नहीं मिल रही। और इतना पैदल चलने के बाद मैंने लिया ये माइक, दिखा देता हूँ आपको। और अभी सिर्फ ये काम चलाओ लिया, इसके बाद दिल्ली जाके गफ्फार से दूसरा माइक लेंगे। अभी मैं माइक चेकिंग कर रहा हूँ और मैंने माइक कनेक्ट कर रखा है, तो अभी इसे मैं सेम लाइन पहले बोलता हूँ। तो मैंने लिया ये माइक, अभी काम चलाओ लिया, इसके बाद दिल्ली जाके गफ्फार से लूँगा, ठीक है। हमारी मील आ चुकी है, चलो अब खा लेते हैं। और अब मैंने माइक कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आई होप कि अब सारी ब्लॉग्स में मेरी आवाज़ अच्छी आएगी। तो गाइज हम पहुँच गए घर और ब्लॉग एंड करते हैं यहीं। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, धन्यवाद।